हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बेल्ट्रॉन टाइपिंग से जुड़ी एक और जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड में काफ़ी फर्क पड़ सकता है। हो सकता है आपकी टाइपिंग स्पीड कम भी निकले, तो आप यह गलती ना करें। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। इसके लिए सबसे पहले हम एक टाइपिंग टेस्ट खोल लेते हैं। इसके बाद हम साइनिंग हो जाते हैं। तो हमारे सामने टेस्ट खुलकर आ रहा है। जिन लोगों ने ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट पहले दिया है वो लोग तो यह गलती नहीं करते हैं, पर जो लोग पहली बार ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं उनसे अक्सर यह गलती हो जाती है। यह पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, बहुत जरूरी होता है इनको पढ़ना। इसके बाद हम यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। शायद मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से एग्ज़ाम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दोस्तों, कुछ लोग इसमें पूछ रहे थे कि हमारा बैक स्पेस काम करेगा, तो हाँ, पूरी तरह आपका बैक स्पेस काम करेगा। अगर आपका कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको सही करने के लिए सारे वर्डों को मिटाना होगा। आप चाहें, आप सोच रहे हैं कि आप सीधा उस वर्ड पे पहुंचाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा बैक स्पेस का प्रयोग करके उसको हटाना होगा। तो अगर आपका कहीं कोई वर्ड गलत हो जाता है और आप काफी आगे निकल जाते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उस वर्ड को सही ना करें, क्योंकि उसको सही करने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड को मिटाना होगा और फिर से टाइप करना होगा, जिसमें आपका टाइम काफी बर्बाद होगा। तो दोस्तों, यह टाइपिंग टेस्ट हमारे सामने खुलकर आ गया है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले मैं आपको उसको थोड़ा सा टाइप करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका ये वर्ड गलत होता है तो आपको सही करने के लिए सबसे पहले बैक स्पेस से ये सारे वर्डों को मिटाना होगा, तब आप उस शब्द को सही कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर ज़्यादा आगे निकल गए हैं तो उसको सही करने के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि उसको सही करने के लिए आपको बहुत सारे शब्दों को मिटाना होगा और आपका समय बर्बाद होगा। तो पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मुझे इस पैराग्राफ को जल्दी से स्किप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले इसको जल्दी से गलत गलत टाइप कर देता हूँ कि मैं आपको वह बात समझा सकूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूं।
दोस्तों आप लोग ध्यान दें तो अभी जो सबमिट का बटन है भाई हाईलाइट नहीं हो रहा है। आपको जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूं, आप चाहें तो सही से टाइप कर सकते हैं। मैं जिस बात को आपके बताने जा रहा हूं वह यह है कि जैसे ही आपका पैराग्राफ पूरा टाइप हो जाता है तो आपको जल्दी से सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका पैराग्राफ टाइप होगा यह सबमिट का बटन हाईलाइट होने लगेगा, पहले यह हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आपने अगर पैराग्राफ को 7 मिनट में टाइप कर लिया है तो वह यही मानेगा कि आपने पैराग्राफ 7 मिनट में टाइप किया है। अगर आप इसको सबमिट नहीं करते हैं और समय पूरा होने के बाद यह अपने आप सबमिट होगा तो यह सोचेगा कि आपने पैराग्राफ 10 मिनट में पूरा किया है और आपकी टाइपिंग की स्पीड कम निकल आएगी। तो बस इतनी सी बात बताना चाह रहा था कि अगर आपका टाइपिंग टेस्ट पूरा हो जाए तो आप इसे जल्दी से सबमिट कर देना, नहीं तो आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत कम निकलेगी। तो आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद इसमें आप इसको यस कर देना और यहाँ पर ओके कर देना। फिर यहाँ पर यह फीडबैक के लिए पूछता है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो जो भी सेंटर हो तो आप अपने हिसाब से फीडबैक दे देना और सबमिट पर क्लिक कर देना। थैंक यू।